अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन लेग पीस। इसके लिए जो दो मैंने लेग पीस लिए हैं, सबसे पहले हमने इनमें इसको अच्छे से धो लिया है। अब हमने क्या करना है कि इनके अंदर गहरे गहरे से कट लगा लेने हैं। दोनों लेग पीस के मैं कट लगा लूँगी ताकि हमारा मसाला अच्छे से इसके अंदर जाए। इसको मैंने अच्छे से कट लगा लिए हैं। अब इसको लगाने के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। इसको हम साइड पे कर देंगे। एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर आधी चम्मची हम लेंगे अमचूर पाउडर की। हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको बना रहे हैं। ये थोड़ा सा हमने लिया है, ये आधी चम्मची से कम ये कुटी हुई मिर्च है, ये आधी चम्मची ही काली मिर्च है। हमने इसको स्पाइसी सा बनाना है इसलिए मैं मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। ये आधा चाय का चम्मच ही हमने नमक लिया है और एक खाने का चम्मच मैं ले रही हूँ सुर्ख मिर्च। अगर आपके पास लेमन जूस है तो लेमन जूस के साथ इसको मिक्स कर लें इसके अंदर डाल के, या आप सिरका भी ले सकती हैं। मैं सिरके के साथ इसका पेस्ट बना लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस पेस्ट को हम लेग पीस के ऊपर मल देंगे अच्छे से। इसको हमें अच्छे से अंदर तक लगाना है इस मिक्सचर को। इसी तरह करके मैं दोनों लेग पीस के अंदर ये लगा लूंगी मसाला इनके ऊपर। ये देखिए नाज़रीन, मैंने दोनों पीस के ऊपर लगा दिया अच्छे से मसाला। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप अब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। लेग पीस को हमने जो मसाला लगा के रखा था वो मैं लेग पीस हमारे मैरिनेट हो गए हैं। अब मैंने आधा कप पानी का पतीले में डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसके अंदर हम लेग पीस डाल देंगे। इसको ऊपर से हमने ढक देना है। हमने इसको इसके अंदर ही पकने देना है। पानी को हमने बिल्कुल खुश्क करना है ताकि लेग पीस भी हमारे गल जाएं और ये पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, मैंने पहले आपको बोला था आधा कप पानी का मैंने बताया था, लेकिन मैंने एक कप पानी का डाला है। तो देखो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, उस वक्त मैंने इसे ढक दिया था। अब चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको ढकूंगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। इस पानी को हमने खुश्क करना है। तब तक हमारा पानी खुश्क होगा, इस वक्त तक हम इसे पकने देंगे। ये देखिए पानी हमने खुश कर लिया है, ये हमारे चिकन भी गल चुका है। आपने जब भी इसे पानी में पकाना है तो आप इसकी साइडें तब्दील करते रहना है ताकि चिकन हमारा दोनों साइडों से अच्छा से पक जाए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये मैंने एक बर्तन में 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले लिए हैं। इसके अंदर मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दूंगी और थोड़ा सा ही नमक डालूंगी। इसका हम पानी डाल के बैटर बना लेंगे। ये बैटर जो बनाया जो लेग पीस हमने मसाले में बनाए थे इसके ऊपर इसको हम लगा देंगे। दोनों पीस के ऊपर इसको हम अच्छे से लगाएंगे। हमें पतला सा ही बैटर रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ऐसे करके दोनों पीसेस के ऊपर मैं ये बैटर लगा लूँगी। ये दोनों पीसेस को मैंने लगा दिया है ये मिक्सचर। अब इसके अंदर जो मैंने लिया है ऑट मील, इसे दलिया भी कहते हैं, ये बस आराम से बाजार से मिल जाता है। इसको हम इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे, इसमें निकल कर देंगे इसके ऊपर अच्छे से। हमने ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे हमारा ऑयल अच्छा से गर्म होगा तो जो इसके हम ऑयल के अंदर हम डाल देंगे। ऐसे करके हमें दोनों पीसेस के ऊपर डाल लेना है, जिससे हमारे पीसेस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रंची से बनेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर ये पीसेस मैं डाल दूँगी। ऐसे हम दूसरा पीस भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको हल्की हल्की आँच पे हम फ्राई करेंगे। जब एक साइड की फ्राई हो जाएगी तो उसकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये देखें नाज़रीन, इसकी एक साइड फ्राई हो गई थी तो मैंने इसकी साइड पलट दी है। अब मैं दूसरी साइड को फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए हमारा गोल्डन हो गया था चिकन,
कि बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। हमने स्टीम के बगैर से बनाया है, हमने पानी डाल के इसको पकाया था, हमारा चिकन भी गल गया था, वो मसाला भी चिकन के अंदर अच्छे से जज्ब हो गया था। तो अब हमने इसको फ्राई कर लिया है। जब हम इसकी दूसरी साइड में फ्राई कर लूँगी तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। चलिए नाज़रीन, मैंने दोनों साइडों से फ्राई कर लिया था, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। हमारे मज़ेदार से चिकन लेग पीस रेडी हैं, जो इंतहाई जूसी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको खा के बहुत ही मज़ा आएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना फीडबैक दें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया।